तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे क्या कर रही थी? मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे यहाँ खिलाती, बहुत सी कहानियाँ सुनाती, होमवर्क भी कराती। आई लव दिस प्लेस। मम्मी की बहुत सारी यादें हैं यहाँ, इसीलिए तो इस जगह को गंदा होते हुए नहीं देख सकती। गुड। मम्मी को डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनकी याद में आज भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ। क्या तुम्हें डांस पसंद है? पब वगैरह में डांस करना तक तो ठीक है, ट्रेडिशनल डांस ज्यादा पसंद नहीं है। ओके। हैप्पी बर्थडे गुलाबो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारी इसी खुशी को देखने के लिए मैंने एमएमएस भेजा। अगर सामने से विश करता तो तुम सिर्फ थैंक्स बोल देती, पर मैं इस मौके को यादगार बनाना चाहता था। थैंक यू। पर तुम तो यहाँ बैठे हो, तो ये भेजा कैसे? मेरे लैपटॉप में एक फैसिलिटी है, मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर दिया था, तो सही वक्त पर मैसेज पहुंच गया। ओह गॉड, पहली बार मैंने किसी लड़के से इतनी देर बात की, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज से ये जगह तुम्हारी भी है, चाहो तो यहाँ ड्रिंक भी कर सकते हो। इस प्यारी सी जगह को गंदा करूं? कभी नहीं। अरे हाँ, बर्थडे पार्टी कहाँ है? वाओ अंकल, रेनू, कल्पू। मैं जानती हूँ तुम सब यही छुपे हुए हो, जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। ओके, मैं सच में जा रही हूँ। कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ प्रिया बेटा? कुछ नहीं हुआ है, आप सबको बुलाना जो था। ड्रामेबाज कहीं की। घर तो बहुत सुंदर है। ये हमारा घर नहीं है, प्रिया का है। हम सब बेसहारों को उसने सहारा दिया है। What? हम बुजुर्गों को हमारे बच्चों ने अनाथ कर दिया, और बच्चों को उनके माँ बाप ने। अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए गुजारने के बाद हम तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लायक तक नहीं रहे। अनाथों की लाचारी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन प्रिया को इस दर्द का एहसास अच्छी तरह से है, इसीलिए उसने हम सबको एक छत के नीचे पनाह दी। उसकी वजह से बच्चों को माँ बाप मिल गए, और हम बुड्ढों को बच्चों का प्यार। हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई, जीने का एक नया मकसद मिल गया हम लोगों को। हर इंसान अपना बर्थडे अपने घर वालों के साथ मनाना ही पसंद करता है, पर मुझे इन लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। मेरी छोटी सी दुनिया का बहुत अहम हिस्सा हैं ये लोग। तुम्हारी दुनिया हमेशा खुश रहेगी, दिल से दुआ है। भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी दुनिया मेरे घर, ऑफिस, दोस्तों और पब तक ही सीमित है, मगर तुम ऐसी नहीं हो। ये तुम्हारा प्यारा सा घर, ये मंदिर, ये गांव, तुम इन सब से जुड़ी हुई हो। सही मायनों में जिंदगी तो तुम जी रही हो, तुम्हारी जिंदगी में हर चीज शामिल। इनफैक्ट आई रियली लाइक योर वर्ल्ड। मालिक, निकी बाबू आवत है, हमारे मुश्तंडे कहाँ हैं? पलक झपकते ही वो यहाँ पर होंगे, और अगले ही पल विकी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मालिक, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसमें रत्ती भर की भी जोखिम नहीं है। जी? गाड़ी की आवाज आ रही है, दो गाड़ी है क्या? हाँ, दो सुमो है। उसमें से डॉन उतरा,
कल्लू कोयला उतरा है। कल्लू कोयला? हाँ। वो यहाँ कैसे आ गया? आप उनको तूने डिकी में बंद किया था ना, अब तू अपनी संभाल। जानता ये कौन है? हनुमान जिम का मालिक। पड़ेगा एक मुक्का, बन जाएगा लुक्खा। और ये है पहलवान नंबर दो, उठा के आईब्रो कर देगा तेरा बैटरी लो। और इनसे मेल, ये हमारे गांव का पहलवान है, चाहे जो कोई भी हो फोड़ कर मरोड़े उसको। डार्लिंग, कोई अर्जेंट काम छोड़कर तो नहीं आया ना? हो सकता है 4-5 महीने अस्पताल में रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्या बे, तू मारेगा मुझे? मैं नहीं मारूंगा। तो फिर कौन मारेगा? बोलना कौन मारेगा, शाणा है क्या तू? देख क्या रहा, मारो ना, बचाओ यार, डंडा काट डाला बे। सॉरी वो देखिए हमारे आदमी। अरे सुन, मुझे हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मालिक, मैदान छोड़ के भागा था? अरे सुन, एक पते की बात बताऊं, जब खतरा ज्यादा हो ना तो पतली गली पकड़ने में ही भलाई है, चल भागते हैं। कुछ दिन रेस्ट करना होगा। ओके। ये क्या है प्रिया? मैं अपने आप बचाव कर सकता हूं। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे लिए ये त्याग और बलिदान करे। आइंदा ऐसा कभी मत करना। सॉरी। अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगी। ओके? ओके। लेकिन वो तो कर सकती हूँ ना जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ तो रोका किसने है? तुमने। What? ये करना मुझे बहुत अच्छा लगा। यू यू आर मैड। ओम विश्वानी देव। हेलो। ए विक्की, मैं शिवा बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। शिवा, इस वक्त मैं इंडिया में हूँ, मेरी बहन की शादी हो रही है। ठीक है, बाय। शिवा, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यार। तूने सही कहा था दोस्त, जब से स्वाति के लिए मैंने खुद को बदला है, सारी खुशियाँ छीन गई है। मैंने उसके लिए अपने सपने, अपने शौक, अपना जॉब, सब कुछ छोड़ दिया यार, पर फिर भी मैं उसे खुश नहीं कर पाया। हमने शादी करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हम एक दूसरे को डिवोर्स देने जा रहे हैं। ओह शिट। तो चले? कहाँ चले? अब मैंने तुमसे कहा था ना बाहर जाने वाले हैं। अभी नहीं, बाद में चलते हैं। नो वे, तुम्हें चलना ही होगा, प्लीज चलो ना। प्लीज यार, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। भूल गए? नो सॉरी, नो थैंक यू, अब चलो। पर कहाँ? सीक्रेट।
हम कहाँ जा रहे हैं प्रिया? आओ। हाय। स्कूल फ्रेंड्स। कृष्णा? हाँ भाई, तूने तो पहचान लिया। ये इतना मोटा कैसे हो गया तू? बैठे बैठे काम करता हूँ ना। और तू रवि है ना? नहीं नहीं राजू। हाँ सॉरी। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मास्टर जी, 2+2 कितना होता है? 22 सर। इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक मैथ्स में कमजोर हो, हाथ आगे बढ़ाओ। कितने दिनों बाद आए, जीते रहो बच्चे, झुक झुक जियो। थैंक्स तो तुम्हें प्रिया को कहना चाहिए। ये सारा रीयूनियन का प्लान उसी का था। पास में रहते हुए भी उसने मुझे 50 बार फोन किया। Really? वैसे तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? एक हफ्ते से। एक हफ्ते में क्या जादू कर दिया? मैं उसके पीछे बचपन से पड़ा हूँ। आज तक उसने मेरा एक ग्रीटिंग कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने नॉनवेज शुरू कर दिया, डांस छोड़ दिया और तो और अपने कुत्तों से भी मुंह फेर लिया। जो लड़की आज तक गांव से बाहर नहीं गई वो तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राजी हो गई। गुरुजी, हमें भी कुछ सिखा दो। अक्सर ये घबराहट होती थी कि मेरा होने वाला पति मुझे कभी समझ नहीं पाएगा, पर जब तुमने कहा कि तुम्हें मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगी तो ठिकाना नहीं रहा मेरी खुशी का। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ल्ड। विकी भैया, अंकल आपको बुला रहे हैं। जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ ली है, कल इसी समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। विकी कहाँ है? आ बेटा, कल का मुहूर्त मंगनी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी नहीं हो रहा डैड? ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारे जाने से पहले मंगनी हो जाए तो अच्छा नहीं है क्या? आपको याद है ना डैड, आप मुझे 10 दिन का वक्त देने वाले थे, आपने तय कर लिया और आपने मेरी पसंद के बारे में पूछा तक नहीं। ये क्या मजाक है? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? ये मुझे पसंद है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ निभा नहीं पाए। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। अगर साथ रहना है तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे अपने सपनों को भूलना पड़ेगा, और मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुम्हारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया। यही तो मैं नहीं चाहता डैड, वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले? मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी? बताइए क्यों नहीं होगी दुखी? जिस डांस की वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? जिस कुत्ते को इतना प्यार करती है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती, मीट नहीं खाती क्योंकि इसे पसंद नहीं है, मेरी खातिर इसे सब करने की क्या जरूरत है? अभी ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन शादी के बाद क्या? इसे अपनी दुनिया बेहतर लगी तो? प्रिया तुम खुद सोचो, जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही है, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही है? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी। लेकिन उनमें से कितनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है? समझौता करने के लिए आज ये तैयार है, पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं है? ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम है डैड। आपके टाइम की बात अलग थी, जिंदगी तेजी से बदल रही। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त लौटेंगे।
आजकल एक पूरे दिन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 घंटे से ऊपर नहीं बिताते। मैं कहता हूँ उन 2 घंटों के लिए भी कोई समझौता क्यों करें? मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह से सोचें, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ। फिर चाहे मेरी सोच सही हो या फिर वो गलत। बेटा ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तू इनकार कर रहा है। मुझे तो ताजमहल भी पसंद है माँ, लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का सामान नहीं बना सकता। I'm sorry, Priya. We are not made for each other.